दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कार्की। दोस्तों, हम समय समय पर देश और विदेशों में मनाए जाने वाले दिवसों के बारे में कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक पहुंचते रहते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कार्यक्रम विश्व जनसंख्या दिवस पर, अर्थात आज है विश्व जनसंख्या दिवस। आप सभी को विश्व जनसंख्या दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो आज के दिन है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व भर की जनसंख्या के प्रति उनसे जुड़ी तमाम समस्याओं पर चर्चा करना और उनके सकारात्मक निवारण के उपायों को आगे बढ़ाना और अपने अपने देशों की जनसंख्या और उनकी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं प्रदान कराना होता है। दोस्तों, सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा पहली बार इस दिवस को स्थापित किया गया। तब से यह दिवस प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या से जुड़े विषयों जैसे परिवार नियोजन, रोजगार, मातृत्व एवं शिशु कल्याण, स्वास्थ्य पर इस दिवस में विचार मंथन कर जागरूकता का प्रयास कर कार्य योजना तैयार करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस को अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने अपने अलग अलग नजरियों से देखा है। इसी क्रम में मेरे साथ में है श्री देवेन मेवाड़ी, जो कि मूल रूप से कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले के उकलकांडा विकास खंड के कालाअगर गांव के रहने वाले हैं, हाल निवासी दिल्ली हैं। आप एक वरिष्ठ विज्ञान लेखक हैं, जो करीब 55 सालों से लेखन का काम निरंतर जारी रखे हुए हैं। अभी तक आप 30 किताबें और 2500 लेख लिख चुके हैं, जो टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं और करीब 60,000 बच्चों को अपनी वैज्ञानिक सोच पर आधारित कहानियों के साथ जोड़ चुके हैं। इस महान काम के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जो हमें अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं। आज जनसंख्या दिवस मतलब हमारे आबादी के दिन कि हम कुल कतुक छाक है और आबादी जो से एक सिद्ध असर पड़ा हमारे पर्यावरण पर। अब ये पर्यावरण की चीज पे, पर्यावरण माने हमारे चारों तरफ जेले छ, ये में रूख डाल छे हमारा, गाड़ गधियार छे, जमीन छ, ताल पोखर गाड़ गधियार सब कुछ जो छे, पहाड़ हमार और जो छे हवा पानी और धरती आकाश लेकर यो सब है हमार पर्यावरण प्रकृति। मतलब यो छ कि जस यो बनी हुई बे पहली बटी जस एक सृष्टि बने रखो, जोले चीज हमो के सौंपी सुल वो हमार पर्यावरण है। तो यो जो से हमार चारों तरफ जैसे कि हम चानों सब रूख डाल हरियाली ये तो वन और सब है, वो शरदा अनपढ़ कत्तू बढ़ी वो अपन कविता में लिख जा रही ने, हरिया बोटा हीरा मोती पात सुनो का चोड़, कतु भल मनीष कतुक हरियाली दिखी। अब लेकिन धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ने पे आबादी बढ़ने पे, तो आबादी बढ़ने की हो कि जमीन एक जरूरत बैंक पड़े, मुख बढ़ जाने पे पेट बढ़ जाने पे उनर उतु को पेट भरन हो जैसे वो खान पीन चाहे पे उतु। अब वो खान पीन कहाँ बैठा हो, वीक लीजिए जरूरी छ कि ज्यादा ज्यादा अपन पास जमीन खेत वगैरह हो। तो पहली क्या करो, लोग तो कम छे लेकिन खूब चारों तरफ जंगल छे, तो जंगल काटते गई और धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी वगैरह सब होने लगे। अब धीरे धीरे जब संख्या बढ़ गए तो बड़ी बेर यो मुश्किल हो गए कि अब आप कथ के जानो, कहले कि सरकार जैसे बन कानून वगैरह सब बना दी बाकी सुरक्षित बन से। तो मतलब यो छ कि जमीन उतु को रही हमारी यो धरती पृथ्वी ले गए जतु से उतु कैसे यो न बढ़ सक, उसे कहे हमारे गाँव से तो गाँव उतर रहा जमीन उतु के रे, तो वो बेसाल ही जाल बाजार बैठ मंगाई जाल, बाजार बैठ कहाँ बैठा वी के पैंस देने पे वीक लीजिए, तो पैसा लीजिए तो फिर
यो शहरों की तरफ के मैदानों की तरफ के नौकरी हिरन जानी। जब नौकरी हिरन जानो तो वो एक बात जैसे वहाँ कोई फैक्ट्री में काम करा, कोई कल कारखाना में काम करा, और शहरों में सब कुछ जो सा हरियाली बनन ख़त्म होएगी सब, वहाँ सब सीमेंट कंक्रीट का मकान भे। तो उन कल कारखाना और हजारों लाखों गाड़ी चलने भी रात दिन, तो वो लेके जनसंख्या के कारण के लेके करोड़ों लोग रहनी एक एक शहर में, तो ये जो सा हमारा सर जो हाउस ने वो ख़राब होएगा, वी में जहर घुल गया सब है। तो और दूसरी चीज़ जो है कि वील गर्मी बढ़ते गए, आज की ग्लोबल वार्मिंग है गया, मतलब गर्मी बढ़ गए बहुत, हर साल गर्मी बढ़ते जाना रहे। ये के अलावा जलवायु बदली गए, आप कहाँ मतलब ठीक टाइम पर जो से दियो हुए जींस और ठीक टाइम पर जो से ठंड पड़न पड़ जाए, एक बात जो से ब्रोजों जो फूल से उन टाइम पर खिलें, वो एक बात जो सब बसंत आए को कैसे हम लोग एकदम फूल दही तैयार वगैरह सब हमारे शुरू हो जाए, तब गर्मी हो गर्मी के बाद फिर हमों को मालूम है आप बादल आल और बरसल और एक बात वर्षा ऋतु आ जल के, लेकिन आप पता नहीं लगन मेहन यथ के उसके खर्च की गई, जैसे मौसम ऋतु जो है वो टाइम पर ओनी ने। तो अब ये जो से सब है मुश्किल यह है कि जलवायु परिवर्तन है, वो यो जलवायु परिवर्तन ले मुख्य कारण यो कि किले की हमारी आबादी बढ़ गए। अब आबादी बढ़ गए, जंगल कटी गई, उनमें है जो वन्य जीव छ चाड़ा छ इन सब इन और घर उजड़ गो, उनका जानी। अब आज गाँव के सार बाना रह जानी, सुंगा रह जानी, सब खेत पैद बर्बाद करना नहीं, उन कहाँ जाओ, उन्होंने घर रहने से पहली तक उनको सब खानन बने में मिल जाए। तो यो जो से ये बहुत परिवर्तन है जहाँ बदलाव है जहाँ, अगर हमारी आबादी सीमित रहो, अगर घर में हम लोगों ननन परिवार से नंतनाग संख्या लेके इतुके सज्जनों को हम बहुत भली के पाल सकनों, तो व्हील की होल कि हम बहुत आराम है अपन नंतनाग के पालो लोनों के पढ़ों लिखों, और एक बात जैसे जनो घर में काम करन से वन गाँव अपन जमीन से मालाल, अपन जैसे जनोल पढ़न से वन पढ़ा लिखल, नौकरी करन से वन नौकरी करल, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाल। तो ये नुकसान है नुकसान से हमार जो एक सीमित परिवार हैं से हमारे आबादी जो से वो ये तो कह कि हम ढंगल रह सका, ढंगल खा पी सका, ढंगल हम अपन नंतना पालन पोषण कर सका, उनको पढ़ा लिखा सका। ठीक से ठीक से, धन्यवाद। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या 1,36,00,00,000 है, परंतु जनसंख्या के भरण पोषण, जरूरत के हिसाब से संसाधनों की आवश्यकताओं में निरंतर इजाफा हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन निरंतर कम हो रहे हैं, बढ़ते और घटते अनुपात को बराबर में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके वजह से तीसरे प्रकार की समस्या से हमारा मुकाबला हो रहा है। इन सब विषयों को हमारा युवा किस प्रकार से विश्लेषित करता है या करती है, आइए सुनते हैं युवाओं के विचार। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा पांडे। ये तो हम सबको पता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। जितनी सशक्त किसी देश की जनसंख्या होगी, उतना ही सशक्त वो देश खुद होगा। परंतु ये बात भी सत्य है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि पिछले कुछ सालों में एक नकारात्मक पहलू के रूप में उभरी है। आजादी से लेकर अब तक भारत में कई विकास हुए, परंतु उनका कुछ खास लाभ देखने को नहीं मिला। इसका मुख्य कारण रहा देश की अंधाधुंध बढ़ रही जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन की कमी हुई है। जनसंख्या अकेले में एक समस्या नहीं है, ये अपने साथ और भी कई समस्याओं को लेकर आई है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, बीमारी और न जाने कितनी ही समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई हैं। संसाधन की कमी ने चीजों के दाम बढ़ा दिए, गरीबी ने देश को अपनी चपेट में ले लिया, नौकरी कम और उम्मीदवार ज्यादा होने के कारण बेरोजगारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने की खाने की कमी का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से भुखमरी बढ़ी और झुग्गी झोपड़ियां शहर में फैलती नजर आई। इस कारण देश का औसतन स्वास्थ्य स्तर भी गिरने लगा है। इस समस्या से निपटने का एक ही मूल मंत्र है, छोटा परिवार सुखी परिवार, और ये मूल मंत्र सबके हित में भी है।
देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए इस जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है, तभी देश का विकास सही मायनों में नजर आएगा। बढ़ते जनसंख्या के दबाव के आगे प्रकृति हमारी स्वार्थ पूर्ति को पूरा कर पाने में अक्षम होती प्रतीत हो रही है। बताया गया है कि प्रकृति इंसान के पोषण का भार उठा सकती है, परंतु वह हमारे लालच को पूरा करने में असमर्थ है। दूसरी तरफ हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनी प्रगति का सूचक मानकर आगे बढ़ रहे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा है, और वह भी इस बढ़ती जनसंख्या के साथ। मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, अधिशासी निदेशक आरोही। जहाँ तक का सवाल है जनसंख्या दिवस की इस पूर्व संध्या पर, तो ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत या चाहे हमारा प्रदेश हो, हम बहुत युवा हैं विश्व की दृष्टि में। हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन उस जनसंख्या को हम एक बोझ न समझ के अगर हम उसको इस आधार पर लें कि हम कैसे इस जनसंख्या का उपयोग कर सकते हैं बेहतरी के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमें कौशल विकास, युवाओं के कौशल को देखना, उसको विकसित करना, स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, और उनको बजाय कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएँ, यानी कि वो माइग्रेशन की ओर ज़्यादा ध्यान दें, पलायन को ना करें, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में ही अगर वो कौशल विकसित करके कार्य कर सकेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में, और हमारे देश को एक तरीके से विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग कई विषय हैं जहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जनसंख्या का सही रूप में कैसे उनका मूल्यांकन करें और महत्व को समझें। आज आप देखते होंगे कई विश्व में कई जगह जनसंख्या कम हो रही है, तो वो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास युवा शक्ति नहीं है, हमारे वहाँ कार्य कैसे होगा। और हमारा देश ऐसा है जहाँ पर युवा शक्ति है, लेकिन उसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। तो इसमें आरोही का ये संकल्प है कि हम क्षेत्रीय स्तर पर कैसे लोगों का कैरियर काउंसलिंग करें, और जो युवाओं में एक तरीके से भटकाव आ जाता है जब वो 10वीं की शिक्षा प्राप्त करते हैं, 12वीं की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनमें भटकाव की स्थिति होती है, उन्हें करना क्या है, और उसमें गलती उनकी भी नहीं है, ना ही इसमें कहीं पर कोई किसी को दोष दिया जा सकता है, बल्कि गलती है कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो हमारे पास समुचित संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन उनका समुचित उपयोग नहीं होता, उनका समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता। अगर आज आप देखें विश्व जनसंख्या दिवस पर इस बार की जो थीम है, जो इस बार का मूल मंत्र दिया गया, वो दिया गया है महिलाओं एवं बालिकाओं में कैसे उनको ये कोरोना जैसे महामारी के बीच कैसे उन लोगों को हम एक अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं दे पाएं और सुरक्षित रख सकें। तो आरोही विगत कई दो दशकों से महिलाओं के समुचित स्वास्थ्य की समस्याओं को निदान करने के लिए सेवाएं देता रहा है, चाहे वो बालिकाएं हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण हमारा प्रयास है ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अस्पताल के माध्यम से, और साथ ही जो हमारे सचल दल है, जो बस हमारी है जो सेवाएं देती है विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में, उसके माध्यम से हम करते हैं। लेकिन इस समय सिर्फ हमने महिलाओं के स्वास्थ्य और इसके ही लिए नहीं सोचना, बल्कि एक जेंडर इक्वेलिटी की बात करनी है, जहां पर महिलाओं और पुरुषों के बीच एक सामंजस्य बैठ सके और सबको उनके अधिकार मिल सके और उनके अंदर जो भी कौशल है उसको हम विकसित कर सके। तो इस जनसंख्या दिवस के अवसर पर सिर्फ दो ही मेरे सुझाव हैं, एक कि कैसे हम स्थानीय लोगों के कौशल को बढ़ा सकें और उनको यह प्रेरित कर सकें वो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकसित व्यक्ति की तरह और एक तरीके से वो ट्रेंड व्यक्ति की तरह वो सहयोग दे सकें, अपने लिए भी आजीविका के अवसर उत्पन्न करें और अन्य लोगों को भी रोज़गार प्रदान करें, और दूसरा हम लोगों को जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाना है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी यही कहा गया है कि जब तक का हम सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन नहीं बनाएंगे, तब तक का चाहे वो प्रदेश का विकास हो, गांव का विकास हो या राष्ट्र का विकास हो, संभव नहीं है। नमस्कार,
मैं रतन सिंह किरमोलिया आणा का गढ़धार गाँव में रहूँ। यह गरुड़ विकास खंड जनपद बागेश्वर में पढ़ूँ। मैं आज विश्व जनसंख्या दिवस पर अपन विचार अपन लोगों ना संबंध रहना हूँ। सब है पहली आपों सबन कहें विश्व जनसंख्या दिवस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना छो। हमारे देश भारत कृषि प्रधान देश कही जा, यहाँ करीब 70% आबादी आज गाँव में निवास करें। हमारे गाँव पारंपरिक मुख्य धंधे खेती किसानी पशुपालन और बागवानी रही छू। गाँव गिर्द गिर्द जोले प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध छी। हमारे प्रखून इन संसाधनों बटी छठमठ रोजगार का अवसर जुटाई और इन सबन के लिए रहे उन्होंने अपन गुजर बसर करे। तब जनसंख्या ये तो दबाव ना थी, परंतु मठ मठ कर हमारे देश में आबादी घनत्व बढ़ने को और हमारे पुस्तैनी धंध छूटने गई। प्राकृतिक संसाधनों व्यक्तिगत हित में उपयोग होने कारण उन्हें अंधाधुंध दोहन होते गो, जय कारण आज यूँ संसाधन खत्म होने जाना ही। आज हमारे देश की जनसंख्या इदुक हैगी कि उन्हें लीजिए सरकार के प्राइवेट नौकरी ले नहीं रहेगी। रोजगार का स्रोत कम होने जाना ही, स्वरोजगार की तरफ ध्यान कम जान रहो, यह कारण पलायन ले बढ़ने जानो। यह लीजिए जरूरी है गो कि हम सबन के आबादी पर नियंत्रण के बारे में सोचना पड़ो। अगर हम अपन उत्तराखंड की बात करूँ तो सत्य छू कि यहाँ जवानी और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा उपयोग उत्तराखंड के हित में नहीं सकमाए। यह तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है गो। यह विषय में हमारे सरकार और युवा पीढ़ी का सोचना पड़ो और आबादी पर नियंत्रण लीजिए सार देश में समान और सर्व स्वीकार्य जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहें। यह संदर्भ में हम सबनंग ले कर्तव्य बन जा कि हम सरकार गए कानून बनाने में मदद करूं और वह पालन करने में मदद करूं। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। दोस्तों, जनसंख्या की बढ़ती दर और घटते संसाधनों पर एक छोटा सा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार से हमें जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए केवल सरकार के भरोसे बैठे रहना अच्छा कदम नहीं होगा, बल्कि हमें भी अपने स्तर से जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने या नियंत्रित करने पर सोचना होगा, ताकि आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हम सांस लेने का स्थान दे पाए। कार्यक्रम का उद्देश्य चर्चा की शुरुआत करना है, न कि किसी समाधान की तरफ ले जाना। इसीलिए आप सोचिए और हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। अभी लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।